31वां स्थापना दिवस मिल रहा है। मैं सभी उद्यमियों को और इस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। देखिए, अपने बड़े काम को करने के साथ साथ जो हमारे समाज में संस्कार होती है वह संस्कार बने रहें। इनके अनेक कार्यक्रम होती हैं, वार्षिक कार्यक्रम, होली मिलन का कार्यक्रम, अन्नकूट का कार्यक्रम, आज श्रावण मास में दाल बाटी का कार्यक्रम। ये हमारे आगरा की शान है, आगरा की परंपरा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और इसी में से ही समाज की एकता बनती है। मैंने सबसे निवेदन भी किया है और सबने खुद स्वीकार भी करते हैं, 15 अगस्त को तिरंगा भी हम सब लोग पहनाएंगे भारत माँ की शान में, ये कार्यक्रम और ये सब लोग करेंगे। सभी को हार्दिक बधाई सुनते 31 में स्थापना दिवस समारोह की सभी उद्यमियों को बहुत बहुत बधाई है और तेजी से अपना विकास करें। जैसा कि हमारे राकेश जी ने और हमारे माननीय विधायक जी ने भी कहा, हम दोनों बातों पर गौर करते हुए अपने इंडस्ट्रीज के सभी वर्करों से और सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि 15 अगस्त को शान के साथ अपने प्रतिष्ठान पर और अपने घरों पर तिरंगा शान से फहराएं। यही मैं आज के अवसर पर शुभकामना देता हूँ। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन 31वां स्थापना दिवस की सो अवसर पर इन पूरी एक्मा के जितने भी सदस्य हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इसकी एक बात और बधाई, जब से ये एसोसिएशन बनी है, पहले हमारे यहाँ कंपोनेंट पंजाब से या राजकोट से आते थे या अन्य प्रदेशों से आते थे। आपकी एसोसिएशन में डीजल इंजन पंपिंग सेट्स की अधिकतर पार्ट्स वो यहीं बनाए और यहाँ पर कम रेट में उपलब्ध कराएं, इसके लिए पूरी एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पार्टी का कार्यक्रम किया है इसकी भी शुभकामनाएं और आगे इनको, अब मैं कह भी रहा था और आगे भी कहूँगा, पहले भी कहा, अब ये डीजल इंजन जनरेटिंग सेट से हटकर अन्य क्षेत्र में भी अपने कंपोनेंट्स बनाना शुरू करें, इससे आगरा का काफ़ी विकास होगा। ये हमारी एक्मा इंजीनियरिंग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है जिसका कि आज फाउंडेशन डे है, 31st फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस। जैसे कि हम 31 वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं, ये एक पौध के रूप में हमारे पूर्व अध्यक्षों ने मिलकर लगाई थी, 7 जनों ने ये शुरुआत करी थी। आज ये 200 से ऊपर मेंबरों की संस्था है। ये एक बड़ा विकराल वृक्ष का रूप ले चुकी है जो कि एक छाया के रूप में सारे व्यापारियों को संरक्षण दे रही है। हमारी बस यही एक कामना रहती है कि हमारा व्यापारी सुखी रहे, वो किसी भी प्रकार की कठिनाई अगर हमारे व्यापारी को आती है तो वो हम अपनी संस्था के माध्यम से उसको दूर करते हैं। और ये एक मेल मिलाप का अवसर हमें मिलता है, बीच बीच में मेल मिलाप का अवसर रखते हैं जिससे कि हमारे सारे मेंबर इकट्ठे हो सकें और जिससे आपस में मेल मिलाप कर सकें, क्योंकि प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती है, सेम कंपोनेंट भी बनाने वाले होते हैं तो आपस में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। लेकिन यही एक अवसर मिलता है जिससे कि हम एक मेल मिलाप कर आपस की प्रतिस्पर्धा को दूर करते हैं और प्रेम पूर्वक सारा व्यापार चलाते हैं।